माता सबरी आश्रम में बिरसा मुंडा की 147वां जन्म शताब्दी सप्ताह पर एक कार्यक्रम का आयोजन। बिरसा मुंडा की 147वां जन्म शताब्दी सप्ताह पर एक कार्यक्रम का आयोजन माता सबरी आश्रम में संपन्न हुआ, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन कोल जी एवं व्यवहारी विधानसभा के विधायक शरद कोल जी का आगमन हुआ। यह कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शरद कोल जी द्वारा अपने उद्घोष भाषण में कहा कि आदिवासी समाज के आज गिरते हुए जनादेश के लिए चिंता जाहिर की एवं माननीय विधायक जी प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हमारा आदिवासी समाज शिक्षित हो रहा है, अनेकों पद पर शोभायमान हो, यह भी एक सौभाग्य की बात है। माननीय विधायक जी प्रकाश डालते हुए कहें कि आज हमारा आदिवासी समाज शिक्षित हो रहा है और अनेकों पद पर शोभायमान है, यह भी एक सौभाग्य की बात है। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा सबरी माता आश्रम के लिए 1 करोड़ राशि स्वीकृत हुई थी, उस राशि में केवल 44 लाख रुपए लगी और 56 लाख रुपए कहाँ गए? इस सवाल के जवाब में माननीय विधायक जी ने कहा कि मैं विधानसभा के पटल पर यह बात रखूंगा, इसका जल्द से जल्द निराकरण करवाऊंगा। एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह मरकाम द्वारा उद्घोष भाषण में कहा गया कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी के आश्रम व प्रतिमा अनावरण के संबंध में शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गयी भूमि पूजन एवं घोषणा से गोंड आदिवासी समाज में भाजपा सरकार ने पूरी तरह से छल किया है। वर्ष 2016 में मैहर चुनाव में के दौरान आदिवासियों को लुभाने के लिए अपने पक्ष में वोट करने के लिए की गई कार्य घोषणाओं से भी भारी आक्रोश है। कोल आदिवासी समाज जिसका खामियाजा आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में उसका जवाब देने के लिए गोंड आदिवासी समाज ने कसी कमर एवं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया एवं बनाई गई रणनीति जयंती कार्यक्रम में कमल सिंह मरकाम जिला कार्यवाहक अध्यक्ष गोंड समाज महासभा सतना द्वारा यह बातें कही गयी। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। वही दंडी का राजा होगा। कुत्ता सुनकर के बड़ा खुश हो गया, कुत्ता सुनकर बहुत बड़ा हो गया कि मैं तो भाग दे दौड़ता हूँ, सबसे पहले तो मैं पहुंच जाऊंगा। इसलिए जब दौड़ शुरू होती है, देवी जी से घंटा करके दौड़ शुरू होती है, तो जब कुत्ता कुलथका के पास पहुंचता है तो और अगल बगल कुत्ता जब बगल में बैठे रहते हैं वो देखे कि साला कुत्ता जा रहा, कुत्ता दौड़ करके उसके लपक कर भौं 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 भौंकने लगे, उससे लिपट पड़े। कुत्ता लड़ते रह गया अपने समाज से, लड़ते रह गया, काफी लेट हो गया। अब गधा को कोई नहीं, वो तो सीधे सीधे बड़ा थर तक पहुंच गया, ये तो यही रुक गया। फिर आगे कहता है जैसे नगर पालिका के पास पहुंचता है वहां भी कुछ कुत्ता मिल जाते हैं, उस कुत्ता को फिर लपट पड़े। शासन द्वारा यहाँ 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था, जिसमें से माता सबरी आश्रम के लिए 44 लाख रुपए मतलब यहाँ पे लगाया गया और 56 लाख रुपए का बंडर वाट किया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये विषय आपने मेरे नॉलेज में लाया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा भी की गई थी, जिसका फंडिंग भी हुआ था, और उसकी एजेंसी कौन थी ये मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि आपने विषय को बताया है, मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ, विषय को समझ लेता हूँ कौन एजेंसी थी इसकी, और अगर ऐसी कोई राशि का अगर बंदरवाट हुआ तो निश्चित तौर पे वो दंडात्मक की श्रेणी में आता है, कार्यवाही की श्रेणी में आता है। इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष मैं इसको रखूँगा और ये निश्चित तौर पर गड़बड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये अभी कुछ दिन पहले मतलब कि मैं यहाँ पे एक मीटिंग में जो है सम्मिलित होने आया था, और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ कमरों में ताला लगा था, और हमने जो है तो इस बारे में जो है तो अधिकारियों को जो है तो संज्ञान में डाला, उसमें विरोधाभास हुआ, ऐसा क्यों? जब मध्य प्रदेश सरकार ने जो है तो यहाँ पे आदिवासी समाज को दिया, तो ऐसा क्यों, क्या कारण है कि ऐसा मतलब कि कब तक ताला बंद कर दिया? एक विषय तो तय है कि प्रदेश के अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको उपहार स्वरूप समाज को अगर यहाँ पे एक स्मारक और एक देवस्थल माता सबरी की अगर मूर्ति स्थापित करने के लिए जगह आवंटित की, उसके लिए राशि अगर उन्होंने जारी की, तो ये विषय सरकार के संज्ञान में है। अगर इसमें कोई अगर गैर शासकीय व्यक्ति जो कि अपने व्यक्तिगत पर्पज पर अगर इसको इसमें जो है हस्तक्षेप करता है, तो ये विषय गंभीर है, क्योंकि एक समाज के व्यक्ति एक समुदाय को ठेस पहुंचाने वाली बात है ये, और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे कानूनन जो राइट्स हैं जो ट्राइबल के जो आस्था का विषय है उसको आघात पहुंचाने वालों के ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई का विषय है, और ये इस तरह किया है तो इस विषय की जाँच होनी चाहिए।
और इस विषय पर मैं कल ही कलेक्टर सतना से और जिले के एसपी से इस बात को संज्ञान में लाते हुए इसकी जांच करने की बात।